रविवार को देश भर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसी क्रम में गोरखपुर समाजवादी पार्टी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की पुण्यतिथि बेतियाहाता स्थित पार्टी कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, जयाउल इस्लाम, मिर्जा कादिर बेग, संजय यादव, अवधेश यादव, राहुल गुप्ता, शारदा देवी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के जीवन संघर्षों को दोहराते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। इस मौके पर अवधेश यादव ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह ने देश की राजनीति को एक अलग दिशा दिया था, जिसका आज भी लोग अनुसरण करते हैं। मैं तो पीछे बढ़िया हमारी पार्टी की गांव की तरफ कार्य करती और उस क्षेत्र का दौरा करने का अवसर मिला था। जमीन पता के लोगों ने काम किया, जनता से जुड़ करके काम किया और समाजवादी विचार को हमेशा जीवंत रखने का काम किया। चंद्रशेखर जी अपने बात के बहुत ही पक्का थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा युवा सम्मेलन बलिया में किया था और वो इलाहाबाद में जाकर लोहिया जी का कार्यक्रम, मैं प्रभावन और लोहिया जी का कार्यक्रम लेने की उम्मीद है थे और लोहिया जी से कहें कि आप बलिया में चलिए, वहाँ नौजवानों की बहुत बड़ी सम्मेलन हो रही है, बलिया आपको कैसे सुनने चलोगे। चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप बलिया रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो आपके लिए वहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के समय एक शेर कहा था, आप लोगों को शेर याद होगा, अखबारों में भी निकला था, दूरदर्शन पर चला था कि माना कि हम चमन को गुलजार ना कर सके, माना कि हम चमन को गुलजार ना कर सके, कुछ खार तो कम हुए गुजरे जिधर से हम, कुछ खार तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। तो ये चीज चंद्रशेखर जी उस समय कह के इस्तीफा दिए थे और क्योंकि देश की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो थी, जुआ तुर्क के नाम से चंद्रशेखर जी जाने जाते थे, चंद्रशेखर जी, राज नारायण जी और माननीय हमारे छोटे भैया साहब के समय संसद के किन्हीं सदनों में होते थे, उस समय इन लोगों के बोलने के दौरान बड़े ध्यान से पूरे देश के सांसद सुनते थे, पूरा देश सुनता था। चंद्रशेखर जी एक महान प्रभावशाली आपके जनपद के बगल जनपद का बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी के एक छोटे से किसान परिवार से निकल करके और भारत की उस सबसे बड़ी कुर्सी पर जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने का उन्होंने काम किया और चंद्रशेखर जी समाज में जो विषमता थी, जो जातिवाद था, जो भाई भतीजावाद था, उसके खिलाफ खुल करके बोलते थे। वो समाजवाद और समता के पोषक थे, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी थे, देश का समाजवादी परिवार, पूरे देश के समाजवादी नेता, उन्हें आज अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उसी क्रम में हम भी गोरखपुर की तरफ से माननीय चंद्रशेखर जी को अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।